हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अपर्णा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। प्रकृति ने कुछ लोगों को शासन करने के लिए और कुछ को शासित होने के लिए बनाया है। अरस्तु ने प्राकृतिक असमानता के आधार पर दास्ता का समर्थन किया। इसी आधार पर अरस्तु को रूढ़िवादी विचारक कहा जाता है, परंतु इसका पूर्ण अध्ययन करने पर ही हम इस तथ्य को समझ सकते हैं कि अरस्तु रूढ़िवादी था या नहीं। अरस्तु यूनानी जगत में दास प्रथा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग थी। घरेलू तथा श्रम संबंधी कार्य दासों के द्वारा किए जाते थे। अरस्तु के दासता संबंधी विचार उसके रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं, क्योंकि अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है। कुछ लोगों ने मानवता के आधार पर दास प्रथा का विरोध किया है। एंटीफोन, जो कि एक सोफिस्ट विचारक था, उनका यह कहना है कि यह प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है, जो कि मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध है। अरस्तु दास प्रथा को न्यायोचित मानता है और सोफिस्ट वर्ग के विचारों का खंडन करता है। वह कहता है कि मनुष्य जिस प्रकार संपत्ति रखता है, ठीक उसी प्रकार दास रखता है। अरस्तु ने संपत्ति को दो भागों में बांटा है, पहला निजी संपत्ति और दूसरा सजीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति में अरस्तु ने भूमि, घर, संपत्ति, अचल संपत्ति आदि को शामिल किया है। वहीं सजीव संपत्ति में अरस्तु ने दास को माना है। अरस्तु का मानना है कि दास एक ऐसी संपत्ति है जो परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरी करने में सहायक है। वहीं निर्जीव संपत्ति इतनी सहायक नहीं है जितनी सजीव संपत्ति अर्थात दास सहायक है। निर्जीव उपकरणों की तुलना में दास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने दासता का समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार दासता प्राकृतिक है। प्रकृति ने मनुष्य में बुद्धि, योग्यता, क्षमता, गुण आदि के आधार पर विभेद किया है और योग्यता के आधार पर मनुष्य को दो भागों में बांटा है और उसी के आधार पर उसने एक को स्वामी और एक को दास बनाया है। जिसमें बौद्धिक बल की अधिकता है वो स्वामी है और जिसमें शारीरिक बल की प्रधानता है वो दास होगा। शासन करने के लिए जो पैदा हुआ है वह स्वामी है, जिसे प्रकृति ने अपने आप में पूर्ण करके बौद्धिक बल की अधिकता प्रदान करके पैदा किया है। वहीं आज्ञा मानने का गुण जिसमें हो वो दास है, जिसमें शारीरिक बल की प्रधानता है किंतु बौद्धिक गुण उसमें नगण्य है, ना के बराबर है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीरों में भी भेद करती है। दास के शरीर को सेवा भाव के लिए बलवान बनाती है, वहीं स्वामी को बहुत बुद्धिमान, योग्य, गुणी, निपुण बनाती है। अरस्तु के अनुसार दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। दासता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। एक गुण होता है शासन, जो कि शासन करता है, जो कि राजा होता है, जिसमें बुद्धिमान का गुण होता है, जो बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है। स्वामी को शासन के लिए आराम की आवश्यकता होती है, जो कि दास की उपस्थिति में ही संभव है। यदि दास होगा तो शासक को आराम करने के लिए समय मिलेगा, सोचने के लिए, विवेक का प्रयोग करने के लिए उसको समय मिलेगा। वहीं दास का विकास संयमी और विवेकपूर्ण स्वामी के सानिध्य में होगा, अर्थात दास में विवेक का अभाव होता है, लेकिन वो विवेक का गुण उसमें तभी बढ़ेगा जबकि वो राजा के सानिध्य में रहेगा।
दास्ता नैतिक है, अरस्तु ने दास्ता को नैतिक माना है। दासों के नैतिक विकास के लिए जरूरी है स्वामी दासों के प्रति दयालु व स्नेही होना चाहिए। स्वामी का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो दास के लिए स्नेही रहे, दयालु रहे, दास स्वामी की आज्ञा का पालन करे और स्वामी के सानिध्य में रहकर ही दास के नैतिक विकास और व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। अरस्तु ने दास्ता को दो भागों में बांटा है, पहला स्वाभाविक दास्ता, दूसरा वैधानिक दास्ता। अर्थात दास्ता के दो प्रकार हैं, स्वाभाविक दास्ता, वैधानिक दास्ता। अरस्तु का मानना है कि जो व्यक्ति जन्म से अकुशल व मंदबुद्धि होते हैं वे स्वाभाविक दास होते हैं। उसी के विपरीत युद्ध में बंदी होता है या पराजित होता है तो उसे कानूनी या वैधानिक दास कहा जाता है। यूनानीवासी अगर युद्ध में पराजित हो जाएं तो वे दास नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें दास नहीं स्वामी बनाने के लिए उत्पन्न किया है। अरस्तु के दासता के कुछ मानवीय पक्ष इस प्रकार हैं। दासों के प्रति उदारता का व्यवहार रखना चाहिए, क्रूरता का नहीं। अरस्तु स्वामी और दास के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का पक्षधर है। अरस्तु ने कहा है कि दासों की संख्या बढ़ाने के वो पक्ष में नहीं है, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि यदि दास का पुत्र योग्य और गुणी है तो वो दास नहीं होगा। दासों की मुक्ति का अवसर मिलना चाहिए कि वो जब निपुण और योग्य हो जाएं तो वे स्वतंत्र हो जाएंगे। अब हम अरस्तु की दासता संबंधी विचारों की आलोचना करेंगे। इसकी आलोचनाओं में सबसे पहला आता है कि संपूर्ण मानव समुदाय को गुण या योग्यता के आधार पर दो वर्गों में अरस्तु ने विभाजित कर दिया है। इस प्रकार यह वर्गीकरण करना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ना तो बुद्धिमान होता है ना ही बुद्धिहीन होता है। सब में कुछ ना कुछ गुण एवं योग्यता अवश्य होती है। तो अरस्तु की जो दास के प्रति धारणा है उसकी हम इस प्रकार से एक आलोचना कर सकते हैं। दूसरा है, स्वामी और दास का निर्धारण करने का कोई उचित मानदंड नहीं है। जैसे कि बुद्धिमान होगा वो स्वामी होगा और बुद्धिहीन होगा वो दास होगा, तो इसका पैमाना नहीं है कि कौन दास होगा या तो कौन स्वामी होगा। तो ये भी एक प्रकार से अरस्तु की दासता संबंधी विचार की आलोचना है। अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है, जो गलत है, क्योंकि प्रकृति ने सबको बराबर बनाया है। बुद्धिहीन का भी प्रभाव से बुद्धिहीन व्यक्ति भी कभी प्रभाव से बुद्धिमान हो सकता है और बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावहीन या तो बुद्धिहीन हो सकता है। तो ये क्या हम किसी को बुद्धि के आधार पर स्वामी और बुद्धिहीन है तो दास बना दें? ये गलत है। ये अरस्तु की दासता संबंधी विचारों की एक और आलोचना है। दासता सिद्धांत में अनेक विरोधाभास हैं कि दास स्वामी के संपर्क में रहकर बुद्धिमान बन सकते हैं व श्रेष्ठ बन सकते हैं, ये एक विरोधाभास सा माना गया है। दासता को प्राकृतिक भी मानता है अरस्तु तथा मुक्ति की बात भी करता है, यह भी एक आलोचना से, यह भी एक गलत धारणा से प्रतीत होती है। स्वतंत्रता और समानता के मानवीय सिद्धांतों पर चोट करता है। अरस्तु के विचार अवैज्ञानिक हैं क्योंकि ये मनुष्यों पर पशुओं के उदाहरण थोपता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, जो गलत है। अरस्तु के लिए इस प्रकार की आलोचना की जाती है कि उसके विचार पूर्वाग्रहों से संबंधित है, परंतु जब हम इसका पूर्ण अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है